अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है मुनीर अहमद और आज की इस वीडियो में हम दुनिया के एक ऐसे मुल्क का तस्करा करेंगे कि जहां के सख्त कानून की वजह से यहां के आवाम का रहना मुश्किल हो गया है। दरअसल आज हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया के बारे में, जो कि मशरकी एशिया में वाक़ है। इस मुल्क के प्रेजिडेंट का नाम किम जोंग उन है और इन्होंने इस मुल्क में कई सख्त कानून लागू किए हुए हैं, जैसे कि इस मुल्क में बाहर ममालिक के गाने सुनना, जींस पहनना और इसी के साथ औरतों की ड्राइविंग पर बैन लगाया गया है। 2015 में एक कानून पास किया गया जिसमें बाहर ममालिक के गानों की तमाम तर कैसेट्स और सीडीज को बैन किया गया। इसी के साथ अगर कोई शख्स अमेरिकन मूवी देखता हुआ पकड़ा गया तो उसे उसी वक्त फांसी दे दी जाएगी, और अगर कोई शख्स इंडियन मूवी देखते हुए पकड़ा गया तो उसे उम्र कैद दी जाएगी। इस मुल्क में इंटरनेशनल कॉल्स मिलाना भी एक जुर्म है। 2007 में एक शख्स जिसने काफी ज्यादा इंटरनेशनल कॉल्स मिलाई उसे उसी वक्त कत्ल कर दिया गया। किम जोंग उनकी मीटिंग के दौरान सो जाना भी एक जुर्म है और इस पे सजाए मौत दे दी जाती है। यही वजह है कि 2015 में नॉर्थ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर हेयो योंग को सरेआम कत्ल कर दिया गया। यहाँ बड़े से बड़े ओहदे वाले पर भी रहम नहीं किया जाता। जो शख्स किम जोंग उनकी फैमिली की इज्जत नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ मर्द हजरात ही कार ड्राइव कर सकते हैं और औरतों को कार ड्राइव करना बिल्कुल मना है, चाहे वो ट्रैफिक ऑफिसर्स ही क्यों ना हो। इसी के साथ 100 में से सिर्फ एक ही शख्स को इजाजत होगी कि वो कार रखे। हर नौजवान लड़के और लड़की को लाजमन 10 साल आर्मी में गुजारने होते हैं। 8 जुलाई को किम टू संग की बरसी मनाई जाती है और इस दिन जोर जोर से बातें करना, हंसना और शराब पीना जैसे मामलात मना हैं। और जो इन कवानीन के खिलाफ वर्जी करता है उसे या तो उम्र कैद दी जाती है या उसी वक्त कत्ल कर दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया की आवाम सिर्फ 3 टेलीविजन चैनल्स देख सकती है और ये भी यहाँ की हुकूमत के तहत ही मुमकिन होता है। यहाँ की आवाम बाहर ममालिक का सफर बगैर इजाजत तय नहीं कर सकती और जो ऐसा करता है या तो उसे कैद कर दिया जाता है या सरेआम फांसी दे दी जाती है। यहाँ की आवाम कुछ मखसूस हेयर कट्स ही करवा सकती है। 2013 को किम जोंग उन ने 28 हेयर कट्स की लिस्ट तैयार की और आवाम सिर्फ यही हेयर कट्स रख सकती है। यहाँ हुकूमत फैसला करती है कि किस शख्स को किस इलाके में रहना चाहिए। खासतौर पर यहाँ के कैपिटल योंगजेंग में रहने के लिए हुकूमत की खास परमिशंस चाहिए होती हैं। कौन सा शख्स जिंदगी में आगे जाकर क्या बनेगा इसका फैसला हुकूमत करती है। नॉर्थ कोरिया एक अथीस्ट रियासत है, इसका मतलब कि यहाँ की आवाम खुदा पर यकीन नहीं रखती। यहाँ अपनी मर्जी से इबादत करना एक सख्त जुर्म है। यहाँ किसी भी शख्स को मजहबी खुद मुख्तारी हासिल नहीं है। इन तमाम तर बातों से वाज़े होता है कि इस रियासत में रहने वाले लोग बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसी के साथ हमारी वीडियो होती है एंड। जाते जाते मैं अपनी इस वीडियो का लाइक टारगेट 100 लाइक्स रख रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप इसको जल्द से जल्द मुकम्मल कर देंगे। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।